नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाउस ऑल इंडिया। मीडिया ने विनीता के साथ आइए देखते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरें। उज्जैन केंद्रीय सुप्रिटेंडेंट उषा राज को जान से मारने का प्रयास किया गया। इसके पहले भी इस प्रकार की घटना उनके साथ हो चुकी है। बताया जाता है कि जेल के स्टाफ ही इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं, क्योंकि उनकी दुकानदारी बंद हो गई है, जिसके चलते असामाजिक तत्वों के लोगों को बरगला कर जेल अधीक्षक को जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। बहरागढ़ पुलिस थाने में 308 और 34 के तहत पुलिस ने प्रकरण पंजीबृत कर जांच प्रारंभ कर दी है। इधर जेल अधीक्षक उषा राज का मेडिकल भी पुलिस ने करवाया है। जब मौके पर संपूर्ण मीडिया कवरेज के लिए पहुंची और जेल अधीक्षक की आवाज़ को उठाया, जिसको लेकर जेल अधीक्षक उषा राज ने चैनल के माध्यम से मीडिया परिवार, जेल परिवार और अन्य लोग जो उनके बचाव के लिए आगे आए, उनका आभार व्यक्त कर धन्यवाद दिया। मुख्यालय वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लिया। इस प्रकार की हरकत करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। नहीं टूटेंगे, क्योंकि हमारे साथ सच्चाई का संबल है, हमारे साथ पूरा हमारा अमला है, हमारी टीम है, हमारी मीडिया है, प्रशासन है, सब हमारे साथ है। क्योंकि कौरव पांडव वाली बात हो गई, कौरव के पास तो सेना बहुत थी लेकिन अधर्म था, पांडव पांच थे लेकिन उनके साथ सत्य था, कृष्ण जी थे, तो हमारे साथ कृष्ण जी हैं। हम पांडव जरूर, हमारी टीम छोटी जरूर है लेकिन हिम्मत हारने वाली नहीं है और सच्चाई छोड़ने वाली नहीं है। हम लोग ने जो काम किया है वो सभी को विदित है, पूरे उज्जैन को, पूरे मध्य प्रदेश को, सभी को विदित है। और ये दूसरी बार मेरे ऊपर अटैक किया गया है, लेकिन अब कोशिश ये करेंगे कि तीसरी बार मौका ना दिया जाए दुश्मनों को।